शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और वो अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे आदर्श शिक्षक रहे थे। उन्हीं के कार्यों को, उन्हीं को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमारे सबसे पहले टीचर होते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, क्योंकि जो शिक्षा घर से शुरू होती है और जितनी अच्छी शुरू होती है वो स्कूल में बाद में शुरू होती है। तो सबसे पहले अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, उनकी जितनी भी अच्छी आदतें हैं वो ग्रहण करो और फिर उसके बाद हम जब स्कूल में, आप सब स्कूल में आते हैं तो हम होते हैं टीचर्स, दूसरे माता पिता, जो आपको उन सारी चीज़ों को कैसे जीवन में फॉलो करना है, कैसे लागू करना है और कैसे इस समाज में हमें आगे बढ़ना है, इसमें हम आपका सहयोग करते हैं। इसलिए हमेशा अपने माता पिता को अपना पहला गुरु माने, बाद में हमें माने और उन सब के लिए धन्यवाद, उन माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सबको कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचाते हैं। और आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनकी मेहनत को पार उतारें, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छे विद्यार्थी बने, स्कूल में अपने सारे अध्यापकों का सम्मान करें, उनके आदेश अनुसार चलें, अच्छी आदतों को ग्रहण करें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।